क्योंकि ये रबाब जी शान है बाबे नानक के नाल जी। नाले बाबा नानक ते भाई मरदाना जी की जो सन सी आपस में उन्होंने दर्शाया गया थले जो वाइट नज़र आ रहा सिल्वर नज़र आ रहा रात में जिस तरह चलदिया लाइटा पैदा सगिया तो लाइटा नाल ये गोल्डन कलर जो तब्दील हो जाते थे। श्री करतारपुर साहब के दर्शन करने वाली संगत जब डेरे बाबा नानक पहुँच करती है तो करतारपुर कोरीडोर की मुख्य एंट्री से एक मनमोहक चौंक जिथे श्री गुरु नानक देव जी और भाई मरदाना जी को समर्पित रवाब और गुरु साहब के उपदेशों दर्शाने चौंक तैयार किया गया। जब लांघा खोलिया तो पंजाब सरकार वालों समाज सेवी एस पी ओबराय को इस मुख्य एंट्री को कुछ वक् तरह सजाने की जिम्मेवारी दी गई। एस पी ओबराय ने दसिया कि उन्होंने संस्था वालों ये चौंक तैयार किया गया है जिसन पूरी तरह धार्मिक मनमोहक दिख दी गई है। उदो करीब 45 लाख रुपए तो वध इसते खर्च कर सरकार को सौंप दिता गया सी। लेकिन अज जब वो इत्थे पहुंचे तो देखा कि सारे प्रोजेक्ट की सांभ संभाल रखन च पंजाब सरकार के संबंधित विभाग असफल हैं। अनदेखी इस कदर है कि चौंक च लगिया लाइटा तक चोरी हो चुकिया ने जो उन्हें पैसे खर्च कर यह प्रोजेक्ट समर्पित किया उसके हालात बेहद खराब हैं जिसते उन्होंने मन च मलाल है। उन्होंने कहा है कि हूँ उन्होंने वालों उन्होंने संस्था वालों ये फैसला लिया गया है कि अपने तौर पर वो इस सब न ओही दिख अते दुरुस्त करनगे अते इसदी सांभ संभाल भी खुद करनगे। अते उन्होंने कहा कि संस्थावां भी पैसे खर्च कर रही ने लेकिन सरकारां उन्हां दी कदर नहीं पा रही हैं। ये अफसोस जरूर है। अज श्री करतारपुर साहब दर्शन लई जिहड़ी संगत जांदी है स्टार्टिंग इत्थों हुंदी है। सो ये टी पॉइंट है जिथे असीं खड़े हाँ। सो ये उस टाइम की सरकारां दी ये प्रोजेक्ट सी उन्हां दा कि इत्थे एक आइकोन बनाया जाए स्टार्टिंग विच कि जिथे लोग आण ते एक वक्री पहचान सी नाले बाबा नानक ते भाई मरदाना जी की जो सन सी आपस में ये उन्हें दर्शाया गया। इत्थे फिर असीं जिहड़ी बिल्डिंग बनाई सरकार तो मैं ले ली सी क्योंकि खर्चा नहीं सी कर रहे 20 दिनों में मैं सारी तैयार की सी इत्थे बिल्डिंग। अब तुसीं रबाब देख रहे हो जिहड़ी ये तकरीबन 5 फुट की है और 5.5 लाख रुपया खर्चा होया सी। आ जिहड़ा मटीरियल देख रहे जिथे कि आपां असले मूल मंत्र का पाठ किया है इतने ये सारा इस मटीरियल 100 साल की लाइफ है इस मटीरियल की यह मटीरियल खराब ही नहीं होंगे है। सो य सारी चीज़ा बना के 42 लाख रुपया ला के असं इन बनाया कि जिस उत्ते एक ओंकार की गल करिए 10 फुट उच्चा वो एक ओंकार है और इनू फिर असं रिवॉल्विंग किया कि यह घूमता नज़र आए। सो हर कॉर्नर तो तुम देखोगे तो एक ओंकार घूमता है डे टाइम तुम हूँ इसलिए जिस वाइट नज़र आ रहा सिल्वर नज़र आ रहा रात में जिस चलदिया लाइटा पैदा सगिया तो लाइटा नाल ये गोल्डन कलर जो तब्दील हो जाता है। लोग इतने आते बाहरों इतने पहला खड़ के सैल्फिया कराते सैल्फिया करा के फिर अगे जाते थे। अज मैं इस गल का बहुत दुख होया कि असी तो जो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं सरकार दे देने चाहे किसी भी डिपार्टमेंट च हो तो यह भी प्रोजेक्ट असं बना के देता से लेकिन बड़ा दुख होया अज कि मार्बल टुटिया हुआ इतों की आ देखो लाइटा नहीं आ जिन्हिया लाइटा लगिया से जी पैदा से सारिया चोरी हो चुकिया ने इतों की मोटर तक नहीं चल रही इलैक्ट्रिक असं स्विच देखोगे ये सड़िया पै इसलिए सारिया तारा सड़ गई है और इस तरह पे कोई लाइट नहीं जागती रात को कोई कह नहीं सकता कि इतने कोई आइकन तैयार किया गया क्योंकि हनेरा घुप हो गया। अज जो हम डॉक्टर सतनाम सिंह निजर जी मेरे नाल खड़े ने साडे ट्रस्ट के जो एडवाइजर भी ने साडे तो अज जी असी फैसला किया कि अज तो ही काम शुरू कर दिया गया। एक तो बंदा असी जरा परमानेंट बंदा एक असं इंपलॉय रखता इतने कि जरा जिन्होंने सैलरी पेश की जाएगी और वो बंदा यदि देख रेख करेगा डेली बेस के उत्ते जरा घर घर भी चलते सर ये अस आर्टिफिशियल घर ला रहे हैं साइडा तो यदि प्रोटेक्शन पिलर ला के तो उत्थे जरा अच्छा जरा संगल ला देंगे तो आज जो तुम मीटर नज़र आ रहे हैं सारे या बोर्ड नज़र आ रहे इन पर भी एक हट टाइप बन जाएगी जिड़ी कि देखने सोहनी लगेगी तो आने वाले 10-15 दिनों के देखोगे कि यदि एकदम रुख ही चेंज होगी। टोटल 42 लाख रुपया मैं उस टाइम पर खर्चा जरा कि 5.5 लाख रुपया तो सिर्फ एक रबाब के उत्ते लगे क्योंकि यह रबाब जी शान है बाबे नानक के नाल तो 42 लाख रुपया खर्चा आया उस टाइम के उत्ते पर अज थोड़ा दुख होया मैं क्योंकि मेरी अच्छी फ्लाइट है मैं जा रहा तो सोचा कि इधरों हो चलीए पर अच्छा जहाँ नहीं लग्या मैंने तो इस करके नाल दी नाल ही फैसला करके डॉक्टर साहब नाल से मेरे उन्होंने कहा भी अज तो जो काम शुरू कर दो और काम कर दिता गया आ लाइट वाइटा सब नवी लग जाएगी हफ्ते 10 दिन बाद देखोगे कि पूरी रुख चेंज हो जाएगी।